मित्रों, टेक्नो विद फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज विश्व छड़ी दिवस यानी कि व्हाइट कैन डे है, सफेद छड़ी दिवस भी कहा जाता है इसको। तो उस पर हम बात करेंगे कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए जो है एक मतलब कि स्मार्ट कैन या मतलब नॉर्मल कैन क्या महत्व रखती है, उस विषय में हमारे साथ सुमन जी सर भी हैं, हमारे साथ गुरमीत जी सर भी हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। तो टेक्नोलॉजी की तो हम हमेशा ही बात करते हैं, तो क्यों ना हम आज एक विशेष नई मुद्दे पे बात की जाए। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1964 में अमेरिका में ये विधेयक 6 अक्टूबर को पास हुआ था कि विश्व जो छड़ी दिवस मनाया जाए, जिसमें कि दृष्टिहीनों की सुरक्षा के विषय में जॉर्ज क्या नाम उनका नहीं लिन जॉनसन जो लिंडन जॉनसन थे प्रधान राष्ट्रपति, उन्होंने इसको लागू किया था। और बराक ओबामा ने 2011 में इसको दृष्टिहीन समानता के नाम से इसका नाम चेंज कर दिया था, जो कि अभी बदस्तूर जारी है। और कहते हैं कि 1931 में एक महापुरुष हुए जिन्होंने कि इसका ये छड़ी का को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। और इसी प्रकार एक नाम और मुझे याद आ रहा है, रिचर्ड हुवर साहब थे जिनके नाम से ये जो सफेद छड़ी जिन्होंने बनाई थी, मगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा सर। तो उन्हीं के नाम से रिचर्ड ई हुड, हाँ ई हुड, तो हुवर कैन कैन के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। इस छड़ी के अंदर विशेषता ये होती है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि भी इस छड़ी का कलर देखकर कि दृष्टि ने आ रहा है, या तो उसकी हेल्प करें या उसको रास्ता दें। उसके आगे पहले कुछ समय पहले जब मैंने देखा था, जब मैं छोटा था, तो उसमें एक रेड कलर का साइन भी हुआ करता, सिग्नल भी हुआ करता था, ताकि गाड़ी को पता लग जाए कि आगे दृष्टिहीन आ रहा है। लेकिन आजकल तो बहुत ही टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो एक स्मार्ट कैन भी मार्केट में आ गई है जो वाइब्रेट करती है थोड़ा सा इधर उधर, मतलब कि रास्ता पहचानने में, कहीं कोई नाली या खड्डा है तो उसको देखने में ये ऐसा कुछ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद सफेद छड़ी लोगों ने, दृष्टिहीन लोगों ने यूज करना शुरू किया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है उतना मैंने बताया। अब गुरमीत जी सर इस विषय में कुछ बोले। धन्यवाद सर जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो आपने अभी तक बोला 1964 में कैसे इसकी शुरुआत हुई और बराक ओबामा ने कैसे इसको फिर आगे बढ़ाया, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहाँ इसको पूरा समर्थन दिया, और जो आपने बताया बिल्कुल सही है। और क्यों, इसका कारण ये रहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब जो ब्लाइंडनेस है वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस युद्ध का जो प्रभाव है वो हर एक चीज के ऊपर पड़ा। तो इस तरह से काफी सैनिक भी जो है, इसको प्रमाणवीय प्रभाव भी कहा जा सकता है एक तरह से, हाँ, ब्लाइंड हुए, जिसकी वजह से फिर ये व्हाइट कैन जो है वो अस्तित्व में ज्यादा आई। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले जो नेत्रहीन लोग हैं वो किसी चीज का यूज नहीं करते होंगे। जहां तक हमारे भारत की बात है, यहाँ भी लोग यूज करते थे पहले भी कैन का, लेकिन हम उसको छोटी या लाठी के नाम से जानते थे, यूज पहले भी होती थी। लेकिन जो व्हाइट कैन डे है, सॉरी जो व्हाइट कैन है, इसमें जैसे कि अभी बात चल रही थी कि रेड कलर का
रेड कलर भी था इसमें और वाइट कलर भी था। रेड कलर इसीलिए था ताकि ट्रैफिक जो है वो ये समझ सके कि सामने से जो ब्लाइंड पर्सन आ रहा है उनको रास्ता दिया जाए। रेड कलर इसीलिए था। तो जो वाइट कैन है ये थोड़ा इसको बनाया इस ढंग से जाता है कि उसकी लंबाई कितनी हो, वो कितना हल्का हो, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है उसको चलने फिरने में दिक्कत ना पेश आए। इस तरह से वाइट कैन जो है वो सफेद छड़ी बनाई जाती है। आमतौर पे मैंने देखा है जहां तक बैंत की छड़ी, अब बैंत को क्या क्या अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं वो मैं नहीं कह सकता कुछ, उसमें बैंत काफी हल्का होता है, तो वो छड़ी ज्यादा मैंने देखी है आम तौर पे जितने भी आज से पहले काफी पहले पुराने जो ब्लाइंड पर्सन थे उनके पास। अभी आज के हिसाब में आज के युग में तीन तरह की छड़ी हम देखते हैं। अब तीन तरह की छड़ी जैसे लॉन्ग कैन जो है होती, अब ये पहले तो मैंने बोला कि लकड़ी की ही छड़ी होती थी, उसके बाद धातु की भी लॉन्ग कैन बनाई गई और काफी लोगों ने उसको यूज भी किया। उसके बाद जो है फिर फोल्डिंग स्टिक आई। देखिए हमारा मतलब है गंतव्य तक पहुंचना और चलते हुए छड़ी का प्रयोग करते हैं जब, तब छड़ी हमें इंडिकेट करती है कि सामने क्या है। छड़ी के आगे जो लोहे का लगा हुआ था सम बोलते हैं उसको, ये संगीत वाला सम नहीं है, ये दूसरा सम है जो हमें कच्चा और पक्का बताता है कि कौन सी जगह कच्ची है पक्की है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है। तो छड़ी हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है और इस वजह से हम बहुत दैनिक कार्य कर पाते हैं। बिना छड़ी के बहुत मुश्किल और असंभव सा लगता है, और इसलिए जो है छड़ी का मेन मकसद गंतव्य स्थान तक ले जाना और हमें रास्ता दिखाना है, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली जो बात है, छड़ी का ही दूसरा रूप है फोल्डिंग स्टिक। अब क्योंकि जब हम कहीं बस वगैरह में बैठते हैं या फिर अपने ऑफिस वगैरह में जाते हैं या किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, तो छड़ी को रखने में, उसके रख रखाव में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से फिर आगे इसमें तरक्की हुई तो फोल्डिंग स्टिक अस्तित्व में आई। तो फोल्डिंग स्टिक का आज भी जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी उसको बैग वगैरह में या जहां भी आप उचित समझे रख सकते हैं। तीसरी अगली बात जो है, ये ठीक है कि ये जो दूसरी तरह की छड़ी है फोल्डिंग स्टिक, इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि लास्टिक वगैरह खराब होती है। उसका समाधान तो यही है कि हम एक्स्ट्रा स्टिक अपने लिए रख सकते हैं, ताकि वैसे इतनी जल्दी खराब नहीं होती लास्टिक, अगर फिर भी बाय चांस हो जाए तो हमारे पास दूसरी स्टिक हो, हम दो स्टिक्स अपने बैग में लेके चल सकते हैं। नहीं सर, हमारे, मैं बताता हूँ, बीकानेर में एक हमारे मित्र हैं, हमसे तो सीनियर है, गोपाल राम जी सुथार नाम है उनका, तो वो क्या करते थे, अगर स्टिक टूट जाती थी लास्टिक रखते थे अपने साथ में, वैसा का वैसा ही एक रखते थे और वो उसको बैठे बैठे तैयार कर लेते थे खुद ही।
खुद ही उनको वो हो जाता है। संदीप जी बात सही है, वो हम भी तैयार करते हैं, लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं, लास्टिक टूट गई है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही नहीं बैठेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है सर, ये बात सही है। वहां आपके पास एक्स्ट्रा स्टिक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां स्टिक होनी चाहिए। तो तीसरी बात जो है स्मार्ट छड़ी, जो कि अभी आपके आपने बताया इसके बारे में, वाइब्रेशन स्मार्ट छड़ी, इसमें डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो जो कि वाइब्रेट होती है अगर कोई हमारे सामने चीज आ जाए, लेकिन उसमें भी काफी अभी तक कमियां है। चलो आगे आगे जो है वो डेवलपमेंट इसके विषय में हो रही है कि इसके में और कुछ की क्या क्या किया जाए। मैंने तो यहाँ अभी कुछ लोग खोज करके ग्रुप्स में डाल रहे हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि जो छड़ी है वो आवाज भी करती है, इवन के वो आपको कुछ स्टिक्स ऐसी दिखाई गई हैं, अभी वो मार्केट में तो नहीं आई लेकिन खोज का जरिया है, खोज में वो है कि वो कुछ ना कुछ बोलती भी है। उनमें ऐसी डिवाइस फिट कर दी गई है कि आपके सामने दीवार आती है या कोई और चीज आती है तो वो बोलती भी है। सर अभी उसकी पुख्ता जानकारी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा क्रांति का। नहीं मतलब इसकी पुख्ता जानकारी है नहीं सर, बस वो बातें हवाओं में चल रही है, डिवाइस हमने देखा नहीं आसपास। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये अगर ऐसी बात चली है तो हम भविष्य में ये उम्मीद रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये तीन तरह की छड़ियां हैं। तो छड़ी का हमें देखिए, छड़ी का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए और हमें करना आना चाहिए, क्योंकि एक ब्लाइंड पर्सन जो है उसको दूसरे का सहारा वो जब वो लेता है तो खुद में भी उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, और दूसरा ये मान के चलते कि मैंने इसको सहारा दिया। अब एक बात मान के चलो कि जैसे हाँ जी, लेकिन अपने भाई बहनों में भी सर एक कमी है सर, कि हम लोग स्टिक को साथ में ले जाना थोड़ा सा यू नो ऐसे समझते हैं कि हाँ यार ये स्टिक ले जाना तो क्या समझेंगे, तो लोग तो वैसे ही अपन को ब्लाइंड ही समझेंगे, तो स्टिक ले जाने में शर्म किस चीज की भाई, जो चीज हमारे काम आ रही है, हमारी हेल्प कर रही है, दूसरा हमारी हेल्प थोड़ी कर रहा है, वो स्टिक ही तो हेल्प कर रही है, तो हमें उसको ले जाने में शर्म किस चीज की। कई लोगों को मैंने देखा है आसपास मेरे, कई जानकार मैंने ऐसे देखे, वो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड होते हैं, उनको चाहे टक्कर लग जाए लेकिन स्टिक नहीं लेके जाएंगे, तो ये मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार, अपन ऐसी क्यों गलती करें जानबूझकर, तो अपन स्टिक ले जाएं तो अपन को कोई डर ही नहीं है फिर। क्या है संदीप जी, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा कॉलेज था रिजर्व बैंक चौक है, और वो नागपुर का सबसे बिजी रोड और बड़ा टू लाइन वाला, तो वहां मुझे ये जो फोल्डिंग स्टिक यूज करता था मैं, मुझे बहुत उससे फायदा होता था। एक तो कोई भी मेरी स्टिक देख के मुझे पार करा देता था, या फिर मैं अकेला जा रहा हूँ तो जो आजू बाजू में ट्रैफिक था चल रहा होता है फास्ट, फिर भी वो रुक जाते थे बराबर मेरे जाते तक, यानी मुझे कोई कभी घर के लोग तो मुझे बहुत यानी ये करते थे कि अकेला मत जाया कर दो, क्योंकि नागपुर का बहुत बिजी रोड था, लेकिन वो स्टिक से मुझे तो बहुत फायदा हुआ, कभी कोई एक्सीडेंट का ये नहीं हुआ, किसी ने मुझे आके ठोका नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो इसका नहीं, वैसे भी समझ सर नागपुर में तो मैं काफी, आप तो खैर वहां रहते हैं, मैं जहां तक घूमा हूँ काफी रश होता है नागपुर में, बहुत ज्यादा रश होता है इधर उधर, और वो रोड सबसे बड़ा रोड है नागपुर का और बहुत बिजी रोड है, फिर भी मुझे कभी किसी ने ठोका नहीं, कुछ नहीं, और वो स्टिक से मैं काफी आठ साल मैंने मेरी एजुकेशन में बिताए, 7 साल तो एमए तक और 8वां बीएड किया मैंने, तो ये सब वो स्टिक ने मुझे बहुत सहारा दिया, और फोल्डिंग होने के कारण कैसा कॉलेज गया कि मैं अपने फोल्ड करके रख देता था बैग में, जब जरूरत है तब निकाल लिए, बहुत अच्छा वो मेरा इस फोल्डिंग स्टिक से अनुभव रहा मेरा मेरी जिंदगी में। मैं आपको एक और बताऊं संदीप जी, एक मजे की बात बताऊं क्या? यस सर।
22 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, 22 साल। और उन 22 साल में होल्डिंग स्टिक मैंने कभी नहीं छोड़ी। अभी मेरे स्कूल में अलग से एक स्टिक रखी हुई है, मेरे बैग में एक अलग से स्टिक है। आज के देखिए, मैं हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए ताकि बाकियों को इससे थोड़ा अपडेशन मिले और उनको पता चले कि यूज करना चाहिए। देखिए, आज भी मेरा स्कूल मेरे घर से 11-12 किलोमीटर है और मेरा ब्रदर वहां पे मोटरसाइकिल पे मुझे छोड़ के आता है। लेकिन हालांकि स्टूडेंट्स मेरी हेल्प के लिए आते हैं, मैं सबको मना करता हूँ। और प्रेयर में मैंने अनाउंस किया है कि कोई बच्चा जब तक मैं ना बोलूं मेरी हेल्प के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है, आई नो। तो मैं क्लर्क रूम से अगर अपने ऑफिस अपने रूम तक जाता हूँ, जो मेरा पर्सनल जो जहां मैं बैठता हूँ वहां तक जाता हूँ स्टिक से, ऑफिस में जाता हूँ प्रिंसिपल के स्टिक से, और उनको मैंने बोला है कि आप ये मत समझिए। और आपको और भी बात बता दूं स्टिक के साथ साथ कि देखिए, स्टाफ मेरा जो है वो मुझे बहुत कोऑपरेट करता है, और मैं खुद जो ये अपनी ये डिवाइस है ना जिसपे हम अटेंडेंस लगवाते हैं, खुद जाके डिवाइस निकाल के मोबाइल को लगाता हूँ, बाकी टीचर आके फिर अटेंडेंस लगाते हैं, सबसे पहले मैं ही अटेंडेंस लगाता हूँ जाके। अच्छी बात है, ये अपने आप में जो है ना खुद करके करना चाहिए। मैंने डिवाइस को एक दिन उठा लिया, मैंने कहा देखता हूँ क्या होता है, पहले मैंने लगाई नहीं थी, मैंने उठाया, लगाया, वो ऑप्शन बोल रहा था मोबाइल, मैंने सब क्लिक कर दिए, तो सब टीचर आके बोलने लगे सर आज आप लगवा रहे हैं अटेंडेंस। मैंने कहा डेली लगवाऊंगा, अब आप आज की बात छोड़ो, मैं डेली लगवाऊंगा। तो ये है, देखिए करने से सब कुछ होता है, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। तो मेरा जहां मैं जाना होता है, मैंने अगर मैंने किसी टीचर के साथ कहीं बाहर भी जाना है या किसी स्टूडेंट के साथ बाहर भी जाना है तो स्टिक मेरी मेरे साथ हो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगला हमें गाइड करना भूल जाए और हम टकरा जाए। ऐसा क्यों होने दें, अपनी स्टिक अपने साथ रखो, ताकि वो अगला तुम्हें जहां मर्जी लेके जा रहा है ठीक है, लेकिन स्टिक तुम्हें परमानेंटली और हमेशा बताती रहेगी कि कहां क्या है, तुम यहां से बचो, यहां पे ऐसे करो, जो भी जैसा भी रास्ता होगा स्टिक हमें हमें गाइड करती रहे। तो इसलिए स्टिक का तो हमें, हाँ स्टिक का हमें यूज करते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें आपकी पर्सनैलिटी डाउन नहीं होती, पर्सनैलिटी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि आप खुद अपने काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये सही बात है, मेरा मानना तो यही है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो अभी मैं प्रियंका जी, आप मेरी बात को सुन रही हैं, आप अपना म्यूट खोल सकती हैं। तो क्या आप स्टिक मतलब कि जो छड़ी है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी, हमें यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप हमें अपने प्रवचन दीजिए प्रियंका जी, जल्दी से। बिल्कुल प्रियंका जी, मतलब यू नो ऑडियो जो है अपना म्यूट खोल सकती हैं आप। गुड इवनिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ जी उसके बाद, हाँ जी बिल्कुल, पहले गुड इवनिंग से शुरुआत ज्यादा बेटर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर। और जैसे आपने गुरमीत सर, जैसे आपने सारा बताया सर, एक्चुअली मैंने अभी तक स्टिक नहीं लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पर, क्योंकि सीरियसली मैं बल्कि संदीप सर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस मंच पे, सीरियसली हैंड्स ऑफ टू यू संदीप सर। हेलो, अब मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्टिक से हमारी पर्सनैलिटी डाउन नहीं होती, बल्कि हमें इंडिपेंडेंस का मतलब हमें एक वो इंडिकेटर मिलता है कि हमें औरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बस यही यही है कि बस
कई लोग तो बहुत ज्यादा यहाँ मैंने यहाँ किसी को देखा है कि मतलब मेरे पापा जैसे मुझे हाथ पकड़ के अभी तक ले जाते थे, मतलब ऐसे देखते थे कि मतलब वो चीज कि मतलब वो मैं बोल नहीं पा रही, ऐसे घूर घूर के स्टेयर करके देखते हैं कि हाँ कि मतलब इतनी बड़ी लड़की हो गई आज तो वो देखते हाथ पकड़ के ले जाते, बट मेरे को कोई शर्म नहीं है इस बात की। बट अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है कि बस अब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है आप बहुत आगे तरक्की करें और क्या पता आप अपने पिताजी अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें। अभी आप देखिए आपकी आवाज YouTube पर जाएंगे आपके लोग कितनी आपकी आवाज सुनेंगे, तो देखो आपकी वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी मतलब कि आपकी जानकारी में बहुत लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी को। नहीं सर मुझे कभी शर्म नहीं है, आज मैं सच में पहले पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस बात। अच्छा आप जो है बिल्कुल आपकी भावनाओं को हम बिल्कुल हम समझ गए, समझते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत और बहुत, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। सर बताना चाहूंगी आप जैसे मतलब ये बताते हो, मैं तो फिर भी बिना टीडीएस की यूज किए मैं फोन भी यूज कर लेती है, तो मैं सच में भगवान का शुक्रिया मानती हूँ। और सच सर बताते हैं ना कि ये सब तो मैं पहली बार सुनती हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि हमारे लिए ये चीजें भी अवेलेबल हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता सर यहाँ आने से पहले कुछ भी नहीं पता था सर, तभी मैं सर से पूछती रहती हूँ ये सर ये क्या चीज है ये क्या। प्रियंका जी हम सब आपकी हेल्प के लिए ही हैं, वो चाहे संदीप जी हो सुमंत सर हो मैं हूँ और भी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हम सब एक दूसरे की हेल्प के लिए हैं। और आप हाँ जी सर बिल्कुल, जैसे आपने बताया मुझे आईडी प्रूफ के लिए कि वो चलता नहीं है, और वही चीज हाँ। मतलब वो कितने अच्छा गाइडेंस किया मुझे कि हाँ हम इनविजन एआई यूज करके, और मैंने आज पढ़ा भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके, मैंने उससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं था, आज मैंने स्कैन करके पढ़ा तो इतना अच्छा रीड कर रहा था वो कि पता नहीं सच में मैं इसी से रीड करूंगा, क्योंकि वो बारीक अक्षरों में मेरे को दिखता नहीं है, तो मैं उसी से पहले मेरे पास अवेलेबल नहीं था ये चीजें, अब अवेलेबल है तो आई कैन डेफिनेटली यूज। अच्छा आप कुछ देख पाती हैं थोड़ा बहुत? हाँ जी पार्शली ब्लाइंड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आपको जब भी मौका मिलता है आप प्लीज जो अपनी स्टिक है इसका भी यूज जरूर किया करें, क्योंकि इसके बारे में भी हमें जरूर नॉलेज होनी चाहिए। अरे ब्लाइंड और पार्शियल ब्लाइंड हम ये सब बोलते हैं कि ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पर्सन स्टिक, मतलब मैं मेरे पापा इसलिए नहीं भेजते, एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मतलब जैसे ये मतलब सारे केसेस सुनते हैं तो इसलिए मेरे पापा ना बहुत डर जाते हैं कि अकेला ना भेज पाऊ, मैं खुद जाऊँ इसके लिए जहाँ भी जाना चाहूँ, जैसे ये केसेस हो रहे हैं। वो सिक्योरिटी की बात आपकी ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लेकिन छड़ी का प्रयोग जो है बिल्कुल, छड़ी का प्रयोग तो आप जैसे आपके घर में या मतलब आसपास कहीं जाना हो वैसे करके देख सकती हैं कि कैसा महसूस होता है। तो मैंने नेशनल कोड ब्लाइंड से मैंने वहीं से मतलब वहीं से ये वाइट केन का सुना था मैंने, फिर वहां पर मेरे को मॉर्निंग वॉक के लिए स्टिक दी जाती थी, मैंने यूज की हुई ऐसी बात नहीं है, मैंने यूज नहीं किया, वेरी गुड, मैंने यूज किया है बिल्कुल यूज किया, उसको मैं परचेज करूंगी। मेरी स्टिक जी सर बोलिए, स्टिक कैसे यूज किया जाता है ये आज तक नहीं पता, मेरी स्टिक हमेशा जमीन से 4 इंच ऊपर ही रहती थी, लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ फिर भी। और प्रियंका क्या करती हो तुम? अभी तो कुछ नहीं, बट अभी वो मैं जॉब के लिए ढूंढ रही थी। पढ़ाई कहाँ तक हो गई? मैंने 12th की है। उसके आगे नहीं किया कुछ? नहीं आगे नहीं। क्यों? आगे ये मेरे को ये नहीं सर, बात ये है कि आगे मेरे को इस सब चीजों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था कि रिकॉर्डिंग भी होती है ब्लाइंड लोगों के लिए, मतलब मैं इन सब चीजों से बिल्कुल भी
वो थी, क्या बोलते हैं, नहीं कहने का मतलब है हाँ। अगर तुम कॉलेज नहीं गई फिर भी घर में पढ़ के कर सकती हो ना तुम, आजकल तो काफी सारी किताबें अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग यानी बहुत सारे ऐसे संस्थान है कि जो किताबों की रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ जी आगे तुम घर में बैठ के भी पढ़ सकती हो, हाँ जी पढ़ सकती हो, मंच पे आके मेरे को, हाँ जी मेरे को इस मंच पे आके सब पता लगे कि ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये सब चीज भी अवेलेबल है, जो हम नोटबुक से मतलब रीड आउट, ये मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। कहाँ रहती हो? दिल्ली में सर, दिल्ली। वहाँ पे मेरे ख्याल से दो तीन संस्थाएं है ऐसी, बहुत सारी है सर, कॉल साहब की संस्था है ना, कितनी अच्छी संस्था है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बी आर ए है, हाँ जी बी आर ए है। मैंने ये नेशनल फॉर ब्लाइंड से ये सब सुना, उसके आगे उससे मतलब मैंने कुछ भी नहीं सुना था, तो ये आप रुंगटा जी से कभी मिली होती तो रुंगटा जी बहुत सारी बातें बता देते आपको। नहीं रुंगटा जी सर बहुत मेहनत भी करते हैं भाई, एस के रुंगटा साहब बहुत, उन्होंने बहुत ब्लाइंडों के लिए बहुत हेल्प की है, मतलब हर समय वो हेल्प करते ही रहते हैं। आज जो मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सेकंड बात आ गई जब रुंगटा साहब की, तो उन्होंने इतना सर व्यवस्था की है कि अभी जब कोरोना चल रहा था लोगों को एक्सटेंशन दिलाया है, स्कूलों से बैंकों से छुट्टियां उन्होंने दिलवाई है, कितनी वो बहुत मेहनत करते हैं सर ऐसे। मैं आपको बताता हूँ बारे में, मैं वहाँ पे जैसे नोएडा में ये जो टी सीरीज का वहाँ पे है ना पूरा, ये वहाँ पे मेरे एक कैसेट उस समय निकलने वाली थी, तो मैं करीब करीब 22 दिन था, तो वहां पे जब मेरा जाने का समय आया तो मुझे टिकट नहीं मिल रहा था बराबर जिस दिन का चाहिए था उस दिन का, तो वो वहां पे शाम को कुछ तो भी 2 से 4 बजे तक वहां रेलवे स्टेशन पे बैठते थे, तो उनसे जाके मिला मैं, उन्होंने हाँ। तुरंत काम करवा दिया मेरा। बिल्कुल एक सेकंड, पेंटिंग गर्ल कौन है एक बार मुझे बताना। हाँ अभी बताते हैं आपको इसके बारे में। प्रियंका जी नेशनल, गुड इवनिंग, तो जस्ट अभी आज कंप्यूटर का फॉर्म का लास्ट डेट है, तो उसकी बी आर ए में तो 20,000 फीस है, वो शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन एक आर सी आई का जो फॉर्म निकला है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करके, तो वो आप एनआईवीएच से कोर्स कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, और एक साल का डिप्लोमा विद है, और उसमें जॉब भी मिल सकती है आपको अगर आप करना चाहते हो। आई रिक्वेस्ट टू यू अनामिका, जो चालू मैम, मैं को आपसे मीटिंग के बाद मैं आपसे कॉल करना चाहूंगी, फिर मैं ये सब हो जाए मतलब होगा तो मैं इनको फॉर्म फिल करके दे दूंगी, ऐसा है। हाँ कोई नहीं, आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत होगी आप मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं नंबर करोगे? हाँ मैं ले लूंगी सर से, संदीप सर से, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ, तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो। तो ठीक है फिर, मुझे या नंबर दे दो या आप संदीप सर से ले लेना। ठीक है मैं बिल्कुल ऐसा करना, प्रियंका मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं इनके शालू जी का नंबर शेयर कर दूंगा आपको ना। और हाँ शालू जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस व्हाइट कैन डे के बारे में? सर मेरा जहाँ तक अभी तक मैंने सबका सुना, जैसे गुरमीत सर का सुना और एक और सर थे जो नागपुर के सर थे, मेरा बीच में एक दरअसल एक कॉल आ गया, तो मेरा अभी तक इन लोगों के साथ जो भी मतलब इन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और आप लोगों ने भी, तो मेरे को यही लगा कि सच में यार स्ट्रिक्ट के साथ जाने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले जब गई थी तो मेरे को सीरियसली शर्म आती थी बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता था यार क्या बोलेंगे सब लोग, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके साथ गई थी, तो मैं स्ट्रिक्ट लेके गई थी, तो मेरी फ्रेंड मेरे को आईज दिखाती, तो मेरी फ्रेंड ने चश्मा लगा रखा था, उसके वजह से उसको कोई मतलब हमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, सब सोच रहे थे कि यार इसको तो फुल दिखता है तो हम क्यों इसकी हेल्प करें, तो मैंने बोला कि अरे उसको नहीं दिखेगा क्योंकि उसने अपनी आईज में मेडिसिन डाल रखी है और उसे पूरा नहीं दिखता, वो ब्लाइंड है, तो इसलिए सच में स्ट्रिक को ले जाते हुए कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, तो आज से मैंने सोचा मैं भी स्ट्रिक लेके चलूंगी। तो आप पार्शली हो, साइटेड हो? चलो नहीं सर, टोटली ब्लाइंड हूँ। बोलिए बोलिए गुरुदेव। चलो जी सुनिए। बोले सर।
तो शालू जी बात यह है, देखिए मैं अभी संदीप जी और सुमन सर से बात करते हुए बोल रहा था कि चंडीगढ़ में मेरी रिहायश है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ के पास ही मोहाली है जहां क्रिकेट के अक्सर मैच होते हैं। तो मोहाली पंजाब का चंडीगढ़ की तरफ से पहला जिला है और पंजाब से आए तो लास्ट जिला है मोहाली। वहां मेरा स्कूल है, वहां जो भी मुझे काम करना होता है मेरी स्टिक के साथ होता है, और इवन के मैं तो अपनी स्टिक को संभालूंगा ही। मजे की बात सुनना जरा ध्यान से, मैं तो अपनी स्टिक को संभालूंगा ही, लेकिन मेरा स्टाफ भी मेरी स्टिक को संभालता है, आपको बताऊं मैं। अभी अभी मैं गया था स्कूल में, कुछ मुझे काम था कुछ दिनों पहले, हमारे मैडम की रिटायरमेंट थी, वहां से हमने आगे उनके घर जाना था, तो मेरे दोस्त हैं टीचर फिजिकल के हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर आप स्कूल में ही आ जाओ, वो यहाँ से एक सर और आने वाले हैं, थोड़ा काम भी है तो यहाँ से चलेंगे। तो मैं गया तो उन्होंने, मैं जा रहा था अपने अपने जो रूम है वहां कुछ मैंने पेपर वगैरह रखने थे, तो वो जैसे ही मैं अपने बैग से स्टिक निकालने लगा, वो कहते सर आपकी स्टिक तो ये रही, ये हमने रखी हुई है इधर, आप ये लो स्टिक अपनी। तो फिर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने तो अपनी चीज संभालनी ही है, ये भी मेरी चीज को संभालते हैं। और इसी तरह से जो मैं पुराना स्कूल था मेरा, वहां मैं 18-19 साल वहां मैंने जॉब किया, वहां भी मैंने कभी बिना स्टिक के इधर उधर गया ही नहीं। और जहां भी मैं आपको बताऊं, ये तो स्कूल में घूमने की बात हो गई ना, मैं रिश्तेदारियों में भी अकेला गया हूं, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल गया हूं, वो भी स्टिक के साथ और बिना किसी सहारे के। शालू जी से बात करते हुए मैं बता रहा था कि ना सिर्फ स्कूल में, मैं बहुत जगह अपनी रिश्तेदारियों में अकेला गया हूं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। देखिए परमात्मा का सहारा तो सब कोई होता है, वो तो है ही, लेकिन दुनियावी सहारे की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल तो हमारे लिए स्टिक हमारा जीवन साथी है। सही बात है, ये कोई अतकथनी नहीं होगी, हमारा जीवन साथी ही स्टिक है। आपकी बाद की बातें तो वो जो है वो अलग से है, लेकिन असली में जो जीवन साथी है ब्लाइंड के लिए वो स्टिक ही है, क्योंकि ये आपको, प्लीज आप म्यूट कीजिए अपने आपको भैया, बोलिए सर, बोलिए सर। आपको आपके रोजगार गंतव्य तक ही नहीं, बल्कि आपके जितने भी जरूरी और गैर जरूरी कामों के लिए आपकी छड़ी जितना आपका आपको मदद करती है, मेरे ख्याल से आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, या जो शादीशुदा है आपके हस्बैंड या आपकी बीवी, उतनी हेल्प, या आपके भाई बहन उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, जितनी स्टिक आपकी मदद कर सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक कहा मैंने, बहुत सही कह रहे हो सर। शालू जी नमस्कार, एक बार आपसे जुड़ चुकी है मनीषा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो मनीषा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके क्या विचार है स्मार्ट केन या अपने छड़ी के बारे में, तो आप बिल्कुल बताएं सबको, ताकि आपके विचार भी हम लोगों को पता लगे। शालू जी से बात हमारी अधूरी रह गई थी, लेकिन शालू जी से बाद में बात करेंगे, मनीषा जी से बात करेंगे, उसके बाद रविंद्र जी से बात करेंगे। तो मनीषा जी आप कंटिन्यू कीजिए, अपना म्यूट खोल सकती है आप। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें स्टिक को लेकर चलना चाहिए साथ में, कि हमें कहीं भी दिक्कत हो, चाहे क्रॉस करने में, चाहे बंदा पार्शली ब्लाइंड हो, एक पर्सनालिटी नहीं हमारे साथ काम करती है। बिल्कुल सही है।
तो आप असली एक टोटली है। मनीषा जी आप खुद? जी सर मैं पार्शली हूँ। आप खुद स्टिक यूज करती हैं? यस सर, कहीं जगह पर जैसे सर क्रॉस करना होता है तो उस जगह पर काम करती हूँ मैं स्टिक का, और रात के टाइम पे दिक्कत होती है तो रात के टाइम पे भी यूज करती हूँ उसे। पर सर अभी कुछ टाइम से नहीं कर रही थी, पर अब दोबारा यूज करना स्टार्ट करूंगी, बीच में छोड़ दिया था कॉलेज टाइम पे। यानी हमारे आज का जो हमारा ये मीटिंग है, ये हम सफल माने कि हमारी बात सुन के बहुत सी जो बहुत से लोग हैं हमारे, बहुत सी पर्सनैलिटीज हैं, वो आज से स्टिक यूज कर रहे हैं। Yes, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं, क्या कर रही हैं वर्तमान में आप? सर मास्टर्स सोशियोलॉजी में। बहुत बढ़िया, समाज शास्त्र में, क्या बात है। समाज शास्त्र में आप एमए कर रही हैं, ये तो एमए कर रही है ना? तो समाज शास्त्र में एमए कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीएड किया आपने, तो बीएड भी कीजिए, तो टीचिंग लाइन में आप बहुत अच्छा। नो सर अभी बीएड नहीं किया सर। ठीक ठीक, बहुत अभी सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन है। तो हमारी क्लासेस कैसी लगती है आपको? सर बहुत बढ़िया, सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, तो वर्ड की क्लास देखी आपने? यहाँ तक कि सर ग्रुप में ज्वाइन होके भी बहुत कुछ। बिल्कुल यस सर। वर्ड की क्लास जो कल चली थी अच्छी लगी आपको? यस सर। क्या बात है, अच्छा ठीक है। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपने आपको म्यूट कर सकती है। शालू जी, शालू जी तो आपसे बात अधूरी रह गई थी। यस सर। हाँ बिल्कुल ऑन आपका, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जैसे अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं? सर मैंने अभी रिसेंट में फिजियोथेरेपी कंप्लीट करा है, और अभी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर खत्म होने वाला था लेकिन एग्जाम्स ड्रॉप रह गए क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो दिसंबर में एग्जाम्स होंगे। ओके। तो आप कहाँ, घर हॉस्टल में रहती हैं, घर में रहती हैं? सर वैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ पर अभी घर पे हूँ इस टाइम पे। अच्छा हाँ, अभी तो कोविड के चक्कर में। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपके घर पे तो लगभग सभी लोग घर पे ही हैं। नहीं बिल्कुल, और आपके मम्मी पापा भाई बहन सब साथ ही होंगे आपके? नहीं हाँ जी सर। चालू मैम से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। हाँ जी, आप दादी में कहाँ पर रह रहे हो करंटली? कृपया अपना एड्रेस ज्यादा नहीं बताएं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये आप फोन पे नहीं बिल्कुल, देखो फोन पे बात कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर, वैसे मैं कोशिश करूंगा। पूछ रहा था आपसे, तो आपका भविष्य में क्या विचार है, क्या करना चाहेंगी आप? सर अभी मैं टीचिंग के लिए सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाएगा तो, क्योंकि मैंने अभी बीएड का फॉर्म भी भरा है रिसेंट में, तो अगर बीएड में मेरा नाम आ जाएगा तो मैं बीएड करने के लिए सोच रही हूँ। वैसे आप दिल्ली से ही हो या कहीं पीछे, कहीं जैसे पंजाब से या कहीं? नहीं नहीं सर, दिल्ली एनसीआर से ही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो हमारी क्लास, अब ये बताओ हमारी क्लासेस कैसी लगती है, रोज सुनती हो क्लासेस? सर बहुत अच्छी लगती है। निष्पक्ष बताना है आपको, सीखने के लिए मिलती है, अच्छा लगता है। निष्पक्ष बताना है, ऐसे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मतलब नहीं नहीं सर, तारीफ की बात नहीं है, मतलब अच्छा सीखने के लिए मिलता है, तभी तो ज्वाइन होते हैं ना। मैंने कल वर्ड के बारे में आपको बताया, जैसे आप अपना जो आपका कबाड़ कोशिश, जो आपका कार्य था वो मैंने किया, तो उसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगी कल? नहीं सर कोई कमी नहीं रही, बल्कि आप तो बहुत अच्छे से बता रहे थे, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से, क्योंकि आपको तो काफी एक्सपीरियंस है। नहीं ईमानदारी की बात यह है कि मेरे को वर्ड चलाना ही नहीं आता है। सर फिर भी तो आपने काफी अच्छे से बताया। तो बस मैं तो सीख कर सिखाता हूँ, वो कहते हैं ना शिक्षक वही है जो आजीवन शिक्षार्थी बना रहे, तो बस वही बात है। तो इसके बाद हम बात करेंगे। हाँ रविंद्र जी, सर आप अपना म्यूट खोल सकते हैं और अपने अनुभव इस कैन के बारे में, छड़ी के बारे में हमें बता सकते हैं। रविंद्र जी सर। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है? परफेक्ट सर, परफेक्ट, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर। हाँ तो मुझे ज्यादा घूमने फिरने का अवसर आया नहीं, लेकिन जितना मैंने यूज किया है वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस किन को लेकर। और आप तो बहुत ही
अच्छी मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ में आई है, गूगल मैप या जीपीएस टेक्नोलॉजी वगैरह। नहीं नहीं, छड़ी के सिर्फ छड़ी साथ होते तो हम बाकी चीज़ें तो ये कोई रास्ता मालूम नहीं होता, किसी से कुछ ना हो। हाँ, हाँ, वो जैसे अपन जानकार जगह में जा रहे हैं, अपने कॉलेज में जा रहे हैं, अपने स्कूल में जा रहे हैं, या फिर अपने घर में कहीं बाहर लोन में घूम रहे हैं, इस तरह से, तो हम छड़ी हमारे लिए किस तरह उपयोगी हो सकती है आपके आपके हिसाब से? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेशक घूम सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो पैरों के नीचे का होता है। बस की बात यह है कि रास्ते में कोई गड्ढा हो या कोई, इन चीजों से बचने के लिए ये सब बहुत काम की चीज है। और बहुत सर मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस चीज को लेकर। बहुत बढ़िया सर, बहुत। हाँ बोलिए सर, बोलिए आगे बोलिए। सर विंदर जी, आप कहाँ कहाँ छड़ी के साथ अब तक, थोड़ा सा ये बताइए ना, आप जैसे आप अपने कॉलेज में गए हैं छड़ी के साथ, या आप काम क्या करते हैं पहले तो ये? मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ। क्या बात है, चलो हम टेक्नो विद, एक सेकंड सर, हम टेक्नो विद फ्रेंड्स के लिए गीत बनवाएंगे आपसे, है ना, बना के देंगे क्या? हाँ बिल्कुल जरूर सर, हम यूट्यूब पे स्टार्टअप वीडियो आपसे बनवाएंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बड़ी सर ये बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ इतने बड़े बड़े हस्तियां बैठी है जो म्यूजिक कंपोज कर सकती है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है सर हमारे लिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो ज्यादा परिचय की चीजें होती है उसमें मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, जो थोड़ी बहुत परिचय में है या बिल्कुल परिचय नहीं है, ऐसी चीजों में मुझे ज्यादा हेल्प हुई है इसकी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि परिचय की चीजें तो ठीक है, पता होता है हमें तब तो किंक, फिर भी साथ होती है, बात ये नहीं कि साथ मैं रखता नहीं हूँ, साथ मैं फिर भी रखता हूँ, लेकिन खास करके ये तब बहुत काम की चीज होती है तो पता नहीं होती है या चीजें रास्ता वगैरह मालूम बीच में, खास करके गांव में या छोटे शहरों में, क्योंकि वहां पे गड्ढे वगैरह सड़कें बराबर नहीं होती कभी कभी, तो थोड़ी सी मतलब यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। रविंद्र जी सर, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है सर वैसे? मैं 12 पास आउट हूँ और बाद में फिर मतलब हुआ नहीं। अच्छा, और काम भी मतलब मुझे म्यूजिक में करना था तो मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा अब जो करना है वही करना है ना, फिर वहाँ बाकी चीज़ें करने से क्या है? मतलब जो करना नहीं है उसमें टाइम देने से मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर ज़्यादा, जिस चीज़ पर हमें काम करना है उसी पर हमारा अगर प्रॉपर टाइम हो तो वो चीज़ अच्छे से होती है ना। अगर मेरा टाइम मैं एजुकेशन और ये सब कर रहा था तो मेरा टाइम मतलब डिवाइड हो जाता, फिर मैं प्रॉपर फुल टाइम काम नहीं कर पाता, तो मैं अभी म्यूजिक में फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, इसलिए बाकी चीज़ों को मैंने नहीं नहीं बहुत बढ़िया सर, बड़ी खुशी की बात है। एक यहाँ पर इन सर का क्या नाम खोले और कुछ छड़ी दिवस पर प्रकाश डाले, क्योंकि मुझे आपको काफी अनुभवी है आप लोग, तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप बताएं कुछ। शायद सुमंत सर हैं ये, नोकिया 2 सुमंत सर के पास है क्या? नोकिया 2 कौन है? हाँ नोकिया उनके। सर एक बात कहना चाहूंगी मैं, बोलिए। ये मुझे ना इनके रुंडा साहब के बारे में प्लीज थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना, इनके एक्सप्लेनेशन के बाद। देखिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ, एस के रुंगटा साहब है, एनएफबी के अध्यक्ष हैं, महासचिव है सॉरी तो ये बहुत ही गुणी व्यक्ति है और वकील है वैसे ये पेशे से, जहां तक मेरी जानकारी है। एनएबी इंडिया का इन्होंने बहुत मतलब कि बहुत ब्लाइंडों के लिए, बहुत नेत्रहीनों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, चाहे वो जॉब लगाने का काम हो, चाहे उनकी पढ़ाई का काम हो, चाहे उनकी और भी व्यवस्थाओं का काम हो, वैसे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने काम किए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने एक धरातल पर उतर के जितना दृष्टिहीनों के लिए काम किया है ना, उतना शायद ही किसी ने किया होगा, तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है।
ये सब दिल्ली के ही है, दिल्ली में ही है, है? दिल्ली 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 के ही है। और एनएबी इंडिया इनका समूह है, तो एनएबी इंडिया से इनके हर रोज मैसेज प्रसारित होते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही बढ़िया जानकारी। कोई भी दृष्टि इनको कभी कोई समस्या होती है इनके पास जाइए। मुझे कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल आपको इनके नंबर भी मैं nfbprojects@gmail.com और नंबर मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगी। आई नंबर आपको शेयर कर सालू जी। ईमेल आईडी क्या बोलिए आपने अभी बताना प्लीज। nfbprojects@gmail.com एनएबी की जो ईमेल है ना वो अलग अलग काम के लिए, हाँ वो अलग 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 डिपार्टमेंट के अलग अलग है, वो प्रोजेक्ट की अलग है, हर चीज की अलग है। हाँ, वो, हाँ, तो सर बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा, अपने, अपने कौन सी जगह है? कानपुर में, कानपुर में शायद उनका स्कूल भी है जी। हम गए हुए उसमें, वो मीटिंग। हाँ, सर अभी फोन भी मिल रहे थे बच्चों को। हाँ, उन्हें भी बुलाया था। हम चुनाव में गए थे, उनका बहुत ही बढ़िया स्कूल है और उस स्कूल कितना आलीशान है वो स्कूल, अगर आप देखें तो मतलब बहुत अच्छा है। ब्लाइंड लोगों के लिए इतनी सुविधा है वहाँ पर, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था। सर अभी सर्च करती हूँ, बिल्कुल अभी सर्च करती हूँ। सर इधर भी तो है एक, यहाँ पे मुंडका में है ना एक स्कूल, वो जहाँ पे कुसुम लता मैम देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देर भी वहाँ से भी है। प्रोफेसर प्रोफेसर कुसुम लता, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत ही धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना समय निकाला इस मीटिंग के लिए। आज कोई क्लास नहीं थी, आज बस हमने बात की है विश्व छड़ी दिवस पर, हम लोगों की सुरक्षा पर कि दृष्टिहीन लोगों को एक छड़ी से कितनी सुरक्षा मिल सकती है, हमें छड़ी लेकर चलना चाहिए, उस पर हमें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम अच्छे से चलना चाहिए, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़े, कोशिश यही करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी पड़े, आत्मनिर्भर बने। जैसा कि बहुत बड़े बड़े लोग दृष्टिहीनों में, कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इनकी उपलब्धि को भी आज याद किया जाता है, जैसे महान संगीतकार आप जानते हैं रविंद्र जैन जी थे जिन्होंने कितना अच्छा संगीत बनाया। आपने रामायण देखी होगी, रामानंद जी सागर साहब की, उनमें कितना अच्छा संगीत था, बहुत सारी फिल्में भी ऐसी है उनमें उन्होंने संगीत बनाया, अखियों के झरोखों से गाना है, मतलब कि मूवी है ना उसमें भी शायद उन्होंने संगीत दिया, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनमें उन्होंने संगीत दिया है। और इसी प्रकार से हेलन केलर जी थी, इसी प्रकार से हमारे गुरमीत जी सर है, सुमन जी सर है, कुलदीप सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब कि अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, आज भी ऐसे लोग बड़े बड़े पदों, बहुत नहीं कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी वर्ग की पोस्ट पर, आईएएस पोस्ट पे, आरएएस पोस्ट पे, लेक्चरर, बहुत ही बड़ी बड़ी शिक्षक की पोस्ट पे, बहुत दृष्टिहीन जो है सेवाएं दे रहे हैं। इसी मतलब कि का कमाल है कि इन्हीं शिक्षकों की देन है कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और हमारे गुरुदेव थे रतनलाल जी सर, ऋषि देव जी सर, और हमारे हेडमास्टर जी रहा करते संतलाल जी सर, रामजस जी सोनी सर, जिन्होंने मुझे इतना मतलब कि बहुत, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की जो आज हम इस लायक बन गए कि टीचर भी बन गए। बहुत कुछ हमने आगे आगे भी और कुछ करना है, वो विचार तो यही है, देखो आगे क्या होता है बाकी, लेकिन हम लोग इन सब व्यवस्थाओं से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक छड़ी को लेकर चले थे जो आज उसने इतना बढ़िया रास्ता दिखाया कि आज हम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, और टेक्नोलॉजी से हम और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ब्रेल को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन संदीप जी, मैंने ब्रेल को आज भी छोड़ा नहीं है, मेरे पास बहुत सी बुक्स, बुक्स जो है मेरे स्कूल में अलमारी में बुक्स रखे हुए हैं और उनको पढ़ता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे पास भी बुक्स बहुत है। और जो मेरे पीरियड्स वगैरह होते हैं बच्चों के, पीरियड्स जो होते हैं वो मेरे पास तो टीचर पर्ची भेज देते हैं लिख के कि ये पीरियड्स आपके हैं सर, उनको मैं ब्रेल में लिख के रखता हूँ। नहीं सर, वो सबसे बड़ी बात है, मैं तो है ना इसको पासवर्ड वासवर्ड होते हैं मैं सब ब्रेल में लिख के रखता हूँ, ये कंप्यूटर पर विश्वास नहीं रखता। हाँ। मैं ज्यादा ये पता नहीं कब खराब हो जाए। ना ना ना, ब्रेल कभी खराब नहीं हो सकती, इसकी डिस्प्ले उड़ जाए। हाँ। वो ब्रेल खराब नहीं होती कभी। मैं उसको, इसलिए एक जर्मनी स्लेट है मेरे पास जिसके अंदर 27 लाइनों वाली वो स्लेट है ना, वो है मेरे पास, मैं उसका यूज करता हूँ। मेरे पास भी वही है,
कभी कोई चीज मेरे पास भी छोटी मोटी चीज नोट करनी अपने अटैची से निकाली और फटाफट से नोट की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज। हाँ, उसका उपयोग मैं करता रहता हूँ। रखी स्कूल में हुई है वो, बिल्कुल मेरे पास दो स्लेटें हैं तो वो दोनों मेरे पास रखता हूँ। कभी कोई जैसे अब क्लास में लेके अगर मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं यहाँ से नोट करके ब्रेल में ले जाता हूँ, फिर उसको पढ़ाता हूँ। बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। तो इस तरह से हम ब्रेल है, हम हमारी छड़ी है और हमारे जो छोटे मोटे उपकरण है, इनका प्रयोग करके हम लोग दिखा सकते हैं एक दृष्टिवान व्यक्ति को कि हम भी कम नहीं है किसी से। और एक बार तो मॉर्निंग असेंबली में मेरे को प्रिंसिपल ने बोला, सर आप ना अपने बारे में बताओ, बच्चों को पता लगे क्या बात आप कैसे सारा मेंटेन करते हैं और कैसे इधर उधर जाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, सारा बताइए आप, हमें भी पता चले। तो उन्होंने बाद में मेरे से क्वेश्चन भी पुट किए थे टीचर्स ने भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग में आए और आप लोगों ने शोभा बढ़ाई हमारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने की। नहीं सर, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, हमारी जगह आप भी आएंगे किसी दिन, चिंता मत कीजिए, हमारी जगह आप भी, आपको भी मिलेगी, आप भी टीचर बनेंगे, आप भी बड़ी पोस्ट पे आएंगे, ऐसी क्या बात है। तो वो तो सब है ही नहीं, अगर आपको पढ़ाने का शौक है किसी दिन मैं, संदीप जी और सुमन सर इकट्ठे होके आ जाते, हमें पढ़ाइएगा। हाँ, हमको पढ़ा दीजिए, हम पढ़ने के लिए तैयार है। सर मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है। बिल्कुल सिंगिंग में। हाँ जी, क्या बात। तो सिंगिंग में हमने तो कभी देखी नहीं आपकी परफॉर्मेंस, शेयर करो कभी संडे को। सर परफॉर्मेंस, मेरे को ये सब चीजें नहीं पता थी कि मतलब इससे हम वोकल मतलब। अरे नहीं नहीं, उसको छोड़ो, अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आपको वोकल रिमूव कर आप सीधा वॉइस नोट में भी गाना गा के भेजेंगे तो भी सुनेंगे लोग। हाँ वो तो है, तो वॉइस नोट में भी गा सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम आई विल बी सिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप संगीत से जुड़ी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। कल हम लाएंगे एक विशेष हस्ती को आप लोगों से मिलवाने के लिए, शुक्रवार का दिन है, 6:30 बजे मीटिंग रहेगी कल, आज 7 बजे मीटिंग थी, कल 6:30 बजे मीटिंग रहेगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे शालू जी से बात करते हुए मैं बता रहा था कि Thank you.